सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। मैं शैल जगोता, एक्नॉलेज बुक सीरीज़ अमित प्रकाशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत की मुक्तामणि पुस्तक। इसके अंतर्गत आज हम करेंगे पाठ 8, अष्टमा पाठ। क्या है? भारत देशक, यानी भारत के बारे में हमें बताया गया है कि हमारा भारत देश कैसा है। मदीयो भारतम देश, मेरा भारत देश। समावेशम एव सम्पूज्य समावेशम एव सामान्यो। यहाँ पर सभी की पूजा की जाती है और सभी का सम्मान किया जाता है। मदीयो भारतम देशो। पृथिव्यां स्वर्गभूता शोभते रम्यो हि कश्मीर। यहाँ पृथ्वी किस चीज़ से सुशोभित हो रही है? कश्मीर की सुंदरता से पृथ्वी सुशोभित हो रही है। मुदा प्रक्षाले चरणों न तो गर्वेण वर्षा, और इसके चरणों को धोकर कौन गौरवान्वित हो रहा है? समुद्र। किसके चरणों को? भारत के चरणों को धोकर जो है धोता हुआ ये समुद्र जो है वो गौरवान्वित हो रहा है। विभिन्ना जाति धर्मा वर्ग भाषा प्रचलिता अस्मिन् परम उद्घोष्यते सर्वत्र एकः अवश्य संदेशा। एकता अवश्य संदेशा। विभिन्न जाति धर्म और विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर बहुत सारी जातियाँ और धर्म प्रचलित हैं, फिर भी सब जगह एकता का ही संदेश उद्घोषित होता है। ना हिंदू मुस्लिमा खिस्त्रो न सिक्का बौद्ध जैनादि ही वयम वही भारतीय अस्मदीयो भारत देशा। न यहाँ कोई हिंदू मुसलमान ईसाई सिख बौद्ध और जैन कुछ भी ऐसा अलग अलग नहीं है। वयम वही भारतीय अस्मदीयो, निश्चित रूप से हम सब भारतीय ही हैं और भारत देश हम सब का ही है, यानी किसी एक संप्रदाय और एक जाति का नहीं है। शब्दार्थ करते हैं, मदीय मेरा, समेशामेव सभी का, पृथिव्यां पृथ्वी पर, मुद्रा प्रसन्नतापूर्वक, प्रक्षालयन धोता हुआ, नतो नत गर्वेण गर्व से, वारिषा समुद्र, ख्रिस्त्र ईसाई, वै निश्चित रूप से। ठीक है, आओ बेटा आप प्रश्न उत्तर करते हैं। सर्वत्र कृदिशा संदेश उद्घोषते, सर्वत्र एकस्त्वस्य संदेश उद्घोषते, यानी सभी जगह एकता का उद्घोष होता है। भारतस्य चरणों कः प्रक्षालयति, भारतस्य चरणों वारिषा प्रक्षालयति, समुद्र धोता है। कम समेषां सम्पूज्य, समेषामेव सम्पूज्य भारत देशः। पृथिव्यां स्वर्गभूत कः कीदृशश्च अस्ति, पृथिव्यां स्वर्गभूत शोभते रम्यो हि कश्मीर अस्ति। स्वदेशस्य नाम लिखत, भारता वयं वै अस्मदीयो भारत देश। अब हम करते हैं रिक्त स्थान। मुदा प्रक्षाले चरणों वयं वै भारतीय अस्मदीयो देश, न तो गर्वेण वारिषः। विभिन्ना जाति धर्मा वर्ग भाषा प्रचलिता अस्मिन्। सम्यक उत्तर पर सही का निशान लगाना है। शोभते कौन सा है, इसमें कौन सा पद है? शोभते आत्मनेपदी। मदीयो इति पदस्य विलोम शब्द क्या होगा? त्वदीयो, मेरा तुम्हारा। वारिषः पदस्य समानार्थी अस्ति सागरः। संस्कृते अनुवादं कुरुत, हम सब भारतीय हैं। वयम् भारतीयः, वयम् भारतीयः। मेरा भारत देश विश्व में अद्भुत देश है। मम भारत देशः विश्वे अद्भुता अस्ति।
यहाँ विभिन्न धर्मानुयायी रहते हैं। अत्र विविधाः धर्मानुयायी निवसन्ति। ठीक है, विदेशी भी इस पवित्र धरा के दर्शन हेतु आते हैं। वैदेशिक पर्यटकाः अपि अत्र दर्शनाय आगच्छन्ति। ठीक है, आओ बेटा अब हम करते हैं। इसमें हमें बताना है कौन सी विभक्ति है, कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है। अस्विन सप्तमी, नपुंसक लिंग एक वचन, वारिषा प्रथमा, पुलिंग एक वचन, समेशाम षष्ठी, नपुंसक लिंग बहुवचन, मम षष्ठी, पुलिंग एक वचन, पृथिव्याम सप्तमी, स्त्रीलिंग बहुवचन। वाक्य निर्माण करें। सर्वत्र सुमधुर वातावरणम अस्ति। संदेश सर्वत्र एकस्त्वयस्य संदेश अस्ति। भारती समेषामेव सम्मान्या भवति। कश्मीर अति रम्य स्थानम अस्ति। शोभते पृथिव्यां स्वर्गभूतं शोभते कश्मीर। अब इन शब्दों का हमें क्या करना है बेटा, समानार्थी लिखना है। धरा पृथ्वी, वर्षा सागर, देशा राष्ट्र, व्योम नभ, मदीयो मम, स्वर्ग लोक देव। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।